संगीत प्रेमी जो है अक्सर इतना संगीत से प्यार करते हैं कि वो संगीत को हर जगह ले घूमते हैं तो हम भी हमारे संगीत को जेब में लेके घूमते हैं ये है भैया न्यू स्कल कैंडी टाइम ईयरबर्ड्स और ये काफी और काफी छोटे से हैं और किसको आप किसी भी तरीके से यानी कि एक चाबी के छल्ले की तरह इस्तेमाल कर सकते हो बहुत ही छोटा ईयरबड है खैर इसके बारे मैं में पूरी डिटेल बताऊंगा वीडियो में आगे उससे पहले आप लोग रिक्वेस्ट करूंगा अच्छा लगे कंटेंट सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन दबा देना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आने वाले वीडियो उसको आप मिस ना कर सके क्योंकि अभी सेल की वीडियोस आना बाकी है तो थोड़ा से बॉक्स में तो डालते हैं सबसे तो पहले आपको देखने को मिलता है बॉक्स और बॉक्स में आपको थोड़ी तो तो बहुत ब्रांडिंग वगैरह देखने को मिल जाती है पीछे कुछ की हाइलाइट्स वगैरह मिल जाते हैं अंदर कंटेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एक्सा सिलिकॉन के ईयर टिप्स एक मैनुअल मिल जाती है बड़ी सी और एक आपको यहाँ पे मिल जाता है ये चाबी में लगाने के लिए हुक अब बात कर लेते सीधे मेन डिवाइस के बारे में तो भाई डिवाइस बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है ईजिल आप इसको कैरी वगैरह कर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी प्लास्टिक बिल्ट आपको देखने को मिलती है और यहाँ पे मैग्नेट के साथ साथ आपको जो है लॉक सिस्टम देखने को मिलता है जो कि बहुत ही सही लगा मुझे यहाँ पे और यहाँ पे जो डिजाइन देखोगे ना आप तो फ्रंट में ये जो ईयरबड्स हैं उनको एज अ बटन की तरह यहाँ पे दिखाया रखा है जैसे कि आपकी वो कार की रिमोट नहीं आते छोटे उनको आप बंद चालू करना हो तो वो वैसा आपको यहाँ पे डिजाइन देखने को मिलता है तो काफी यूनिक और काफी डिफरेंट रखा है साइड में आपको यहाँ पे पोर्ट देखने को मिल जाएगा चार्जिंग जो कि टाइप बी है और पास ही में आपको यहाँ पर जो है लाइट इंडिकेशन मिल जाता है अगर आप मैं ईयरबड्स की बात करूँ तो भाई बहुत ही ज्यादा छोटे ईयरबड है यार ये एक स्टेम डिजाइन के इस तरह के ईयरबड्स मैंने कभी नहीं देखे थे बट फिटिंग बहुत तगड़ी आपको देखने को मिलती है स्पेशली अगर आप देखो जिमिंग वगैरह करते हैं रनिंग वगैरह कर रहे हो वर्कआउट करोगे ना ये ईयरबड आपको काफी अच्छी फिटिंग प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे डिफरेंट सिलीकॉन की ईयरटिव दिए रखे तो आप अपने ईयर के अकॉर्डिंग पे जो है एडजस्ट कर सकते हैं तो फिटिंग काफी सही आपको मिलने वाली है इस डिवाइस में और यहाँ पर टच नहीं है यहाँ पर आपको ये बटन देखने को मिलता है जो ये काफी बड़ा बटन है और उस पर जो रिस्पॉन्स है वो काफी प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है बाकी जो ईयरबड्स हैं भाई आपको बहुत सारे डिफरेंट कूल अट्रैक्टिव कलर्स में देखने को मिलते जो आप चेकआउट कर सकते हैं वेबसाइट पर बाकी बात करोगे इसके किस पैक्स को लेकर तो यहाँ पर ब्लूटूथ वर्जन जो है वॉजन पॉइंट जीरो देखने को मिलता है और कनेक्टिविटी के कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी काफी अच्छी तरीके से वर्क करते 10 दस मीटर की रेंज में रखा है तो ऑटोमेटिकलीवन आईपेस रेटिंग रनिंग टाइम पर जॉगिंग के दे टाइम पर वर्कआउट के टाइम पहन रहे हैं स्वेट वगैरह आ रहा है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ये अच्छे तरीके से वर्क करते हैं साथ ही साथ बैटरी परफॉर्मेंस को लेकर बात करूं तो यहां पे देख सकते हैं बहुत ही कॉम्पैक्ट ईयरबड है तो बैटरी आपको देखने को मिलेगी तो यहाँ तो पे मात्र डेढ़ सौ एम की बैटरी लगी हुई है जो टोटल आपको बारह घंटे का प्ले परफॉर्मेंस यहाँ पे प्रोवाइड करती है अगर की बात तो 20 की आपको बैटरी देखने को मिलती है उनमें साढ़े तीन घंटे के आसपास जो है ये परफॉर्मेंस देते हैं एक सिंगल चार्ज में जो कि मेरे हिसाब से काफी है आप इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही कॉम्पैक्ट रखने की कोशिश करें इस डिवाइस को अगर बात करूँ यहाँ पे ड्राइवर्स को लेकर तो यहाँ पे आपको छह एम mm के ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं और साउंड क्वालिटी अगर मैं बात करूँ तो भाई बहुत ही ब्लिसफुल साउंड परफॉर्मेंस आपको इस डिवाइस में देखने को मिलता है यहाँ पर जो म्यूजिक की जो रिचनेस यानी कि डिटेलिंग्स है वो बहुत ही शार्प आपको देखने को मिलती है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आपको बहुत क्लियरली हर एक बहुत प्रॉपरली आपको पे सुना देंगे इवन जो बैकग्राउंड में चीजें हो है, वो भी काफी अच्छे तरीके से सुनाई जाती है स्पेशली मूवी वगैरह या आप कोई वेब सीरीज वगैरह इंजॉय कर रहे हैं तो वहां है, को मिलता है बेस अगर मैं बात करूं तो बेस बहुत डिसेंट है और बहुत परफेक्ट बेस आपको देखने को मिलता है बहुत ज्यादा ऐसा नहीं हो रहा है कि ट्रेबल्स को ओवरकम कर रहे है। बहुत ही बैलेंड आपको यहां पे साउंड सुना जाता है ट्रेबल्स भी हाई लूजमिट सभी आपको बहुत क्लीन देखने को मिलते हैं थोड़ा सा एक चीज मुझे यहाँ पर साउंड क्वालिटी में लगी कि थोड़ा सा स्टूडियो वाली फीलिंग आती है मतलब इसको पहन के सर किसी हॉल वगैरह में आप जो है म्यूजिक को सुन रहे हैं तो वो थोड़ा सा मुझे यहाँ इसमें लगी बाकी जो क्लैरिटी डेपनेस है वो काफी अल्टीमेट आपको देखने

गेमिंग वगैरह की अगर बात करूँ तो यहाँ पे ऐसे कोई भी गेमिंग मोड वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता है में बट जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी जैसे कि मैंने आपको बता दी क्लैरिटी बहुत अच्छी आपको सुनाई देती है आसपास की जो है वो बहुत सही आपको सुनाई देगी स्पेशली जैसे आप बी वगैरह खेल रहे हैं या कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह ऐसा गेम खेल रहे हैं तो वहाँ पर ये कहना कि बहुत एसेंशियल हो जाता है और लेटेंसी भी ऐसे मुझे कोई नोटिस नहीं और मैंने यहाँ पर प्रॉपर टेस्ट भी किया है इसका तो उस पर नज़र डाल लो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको जो टच देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे बटन आपको मिलते हैं तो बटन फंक्शन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना तो यहाँ पे सिंगल प्रेस अगर आप करेंगे तो जो, जो म्यूजिक है वो प्ले और पॉज हो जाता है यहाँ पे अगर वहीं आपको जो है ट्रैक्स को चेंज वगैरह करना तो उसके लिए आपको करना होगा प्रेस करके होल्ड करना होगा थोड़ी देर के लिए तो आपका ट्रैक जो है फॉरवर्ड हो जाता है राइट वाले से बैकवर्ड करने के लिए आप लेफ्ट वाले का यहाँ पे यूज कर सकते हैं वहीं अगर आपको वॉल्यूम को बढ़ाना तो वहां पर आपको उससे करना होगा डबल टैप डबल टैप जैसे आप करेंगे राइट वाले ईयरबड्स पर वॉल्यूम जो है बढ़ने लगेगी डबल टैप करेंगे आप लेफ वाले ईयरबड्स पर जो वॉल्यूम है यहाँ पर रिड्यूस होने लगेगी इवन इसमें जो है आपको

डिवाइस लोएस्ट प्राइस जो इसकी मैंने देखी वो दो हजार तक जाती है और दो हज़ार के प्राइस पॉइंट पे अगर आप एक स्कल कैंडी से डिवाइस में बिलीव करते हैं क्वालिटी आपके लिए कहीं ना कहीं मैटर करती है प्रीमियम साउंड अगर आप प्रीफर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कॉम्पैक्ट साइज के ये ईयरबड आप लोगों के लोग चॉइस बन सकते हैं इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ज्यादा तो बस यही कहूंगा अगर आपको इफॉर्मेटिव लगाए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों का शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर आना ताकि मुझे अच्छा लगेगा फिलहाल के लिए हम लोग सैनोर्ट करते हैं जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टूडेंट रहेगा